नमस्कार सबको। हमारे साथ है हमारे कस्टमर, हम इनसे इनका सारा एक्सपीरियंस जानते हैं। हम लोग उड़ीसा से हैं, वो भी बारीपदा। एक्चुअली वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है और वो फेमस है सिमलीपाल सैंक्चुरी के लिए। तो पहले जैसे कि हमने अपना घर स्टार्ट किया तब तो ये फाइनल पार्ट था, मार्बल का पार्ट। तो हमने सोचा कि अगर हम लोकल मार्केट से लेने जाएं तो हमें हमारे पसंदीदा चीज़ नहीं मिलेगी, तो हमें एक जगह ऐसे जगह जाना है जहाँ पर हम सेलेक्ट कर पाएँ जो हमारा पसंदीदा चीज़, क्योंकि तो घर तो एक ही बार बनता है। तो इसीलिए हमने नेट में सर्च किया, नेट में तो बहुत सारे मार्बल्स ग्रनर्स के मिले, बट उसमें से जो वीडियोस हमने देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें से एज पर रेट वाइज एंड क्वालिटी वाइज हमें भुत्रा मार्बल सबसे अच्छा लगा। उसके बाद हमने उनसे उनका फ़ोन नंबर वहाँ से कलेक्ट किया और उनको फ़ोन पे कांटेक्ट किया। फिर हमें व्हाट्सएप में मैसेजेस आए एंड उसी में हमारा कनेक्शन बनता गया, आगे बनता गया बनता गया। और उससे हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली कि कैसे दलालों से बचे, कैसे आप वहाँ पर पहुँचे, नियरेस्ट एयरपोर्ट या स्टेशन कहाँ है। सो इससे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, जो कि हमारे लिए इतने दूर से आना और यहाँ से मार्बल लेके जाना वो बहुत टफ वर्क थी, जो कि उन्होंने हर स्टेप में उन्होंने हमें गाइड किया। उसके वजह से यहाँ हम पहुँच पाए, पहुँचना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पहुंचने के बाद, जयपुर पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने टैक्सी भी अरेंज करवाई, बिकॉज यहां पर टैक्सी लोग, टैक्सी जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी दलाल होते हैं, उन्होंने वही ये भी समझाया। तो उनके पास पहुंचने के लिए उन्होंने टैक्सी अरेंज करवाया, फिर हम यहां पर पहुंचे और इतने सारे मार्बल में से अपने लिए चूज करना वो सबसे और भी एक टफेस्ट जॉब था, क्योंकि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेना है। जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, उसी तरह मार्बल में भी हम कंफ्यूज हो गए कौन सा लेना है, क्या अच्छा क्वालिटी है, क्योंकि मार्बल के बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं है, क्वालिटी क्या है, क्या अच्छा नहीं है। सो उसमें हमें मुकेश जी ने बहुत हेल्प किया, जो कि यहाँ के मैनेजर थे, और उन्होंने हमारा खाने पीना, चाय, शरबत, सबका लंच डिनर सबका ध्यान रखा। और पूरा दो दिन हमने ये काम किए, सिलेक्शन करना, वो भी एज पर वास्तु, कौन सा कलर लेना है, कौन सा क्वालिटी लेना है, उसमें उन्होंने हमें बहुत प्रॉपर सजेशन से गाइड किए, जिसके वजह से हम चूज कर पाए। उसके बाद है कि बिलिंग एज वेल एज कैसे हमें देना है, कैसे उसको पेमेंट करना है थ्रू चेक, कैसे वो सब भी उन्होंने हमें गाइड किया, क्योंकि इतना कैश बाहर घर से लेके आना हमारे लिए भी डिफिकल्ट था। तो ये भी गाइड उन्होंने किया कैसे क्या करना है, आते समय ही उन्होंने ये सब के बारे में गाइड किया था। और सो हमें भी इजी हुई बिलिंग प्रोसेस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने सारा अरेंज करवाया, हमारे सामने ही सब मार्बल्स गिनवाए एंड उसको लोडिंग भी हमारे सामने ही किया, जो कि एक अलग सा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और बहुत ज़्यादा थकावट भी हुई हमें, बट एक ही बार घर बनता है तो हम लगा कि वो इसका एक पार्ट है। सो दो दिन पूरे लग गए। और हाँ, और एक बात है, तो हमें तो पता ही नहीं था कि दो दिन लग जाएंगे, तो हम एक दिन के लिए आए थे, फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी से गेस्ट हाउस हमारे लिए और सॉरी होटल हमारे लिए अरेंज करवाए, वहाँ पर रहे और जाने आने का सब भी बंदोबस्त उन्होंने किया। और अभी फाइनली हमने अपना काम किया और सब मार्बल्स लोडिंग होके घर जा रहा है, और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि मार्बल हमारा ड्रीम होम के लिए हम यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं। एंड जी, कितना स्क्वायर फीट मटेरियल लिया मैम आपने? 8000 स्क्वायर फीट मटेरियल लिया, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लिया एज पर आवर वास्तु रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स। तो नहीं लिया, और अच्छी वो मेन है कि अच्छी रेट पे लिया, जो कि हमारा बजट के अनुसार था।
पहले पता नहीं था कि किशनगढ़ एक इंटरनेशनल हब है मार्बल के लिए, तो नेट से पता चला तो किशनगढ़ एक इंटरनेशनल हब मार्बल के लिए, तो इसीलिए हम लोग सर्च किए और पता चला कि किशनगढ़ एक एरिया है, इलाका है जहाँ मिल रहा है हर चीज और मन पसंदीदा चीज भी मिलेगा, तो वही सोच के हम लोग कनेक्शन किया। तो नेट में देखा है सब सर्च करके भुत्रा मार्बल्स सबसे हमारा अच्छा लगा, तो उनके साथ फिर कनेक्शन होते चले गए और हम लोग पहुँचे। उनका प्रॉपर गाइडेंस इसमें बहुत हेल्पफुल था, और जो भी चीज अकॉर्डिंग टू वास्तु, हमारा जो वास्तु कंसल्टेंट थे उसके हिसाब से हम लोग जो भी चीज लिए उनके हिसाब से मिला, और मन पसंदीदा चीज भी मिला और हमारा जो रेट बजट के हिसाब से ही मिला, तो जितना हम लोग चूज किए वो भी कैसे मैंने उसका प्रॉपर साइज प्रॉपर और जो फिटिंग्स वाले और जो क्रैक नहीं रहेगा कैसे मेजरमेंट अप्रोप्रिएट हो रहा था वो सब भी हम लोग खुद वेरीफाई किए, तो उसमें कुछ गड़बड़ जैसे ना हो, जितना माल हम लोग खरीद रहे हैं वो सही हो, वो लोग बहुत ध्यान दिए उसमें, एक्यूरेट मैपिंग हुआ है हर चीज़ का, तो यही सबसे अच्छा लगा मुझे, एक्यूरेट मैपिंग एंड एक्यूरेट रेट जो जितना सही लगा उसके हिसाब से मिला, तो वही हमारा ड्रीम होम बनाने के लिए बहुत काम आएगा ये बोला, तो हमारा बजट के हिसाब से ही हम लोग सोच के आए थे, उसके हिसाब से ही हम लोग लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऐसे कुछ नहीं कि ओडिशा से आके जयपुर तक बहुत दूर है, अभी नेट के ज़माने में तो सब पास ही लगता है, तो ये दूर का बात नहीं, ये एक बार अगर सोच लीजिए तो हमारा ड्रीम होम बन रहा है, तो जरूर आइएगा, वो भी किशनगढ़ और भुत्रा मार्बल सबसे अच्छा लगा हमारे, वही हमारा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सर।